हेलो व्यूअर्स, अभी तक ये खबर थी कि सोमवार को सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इससे पहले किसी भी देश ने चंद्रमा के इस हिस्से पर लैंडिंग नहीं की है, लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारा चंद्रयान 2 इस कार्य में सफल नहीं हो सका है। चांद पर लैंडिंग से कुछ घंटे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम और ऑर्बिटर के बीच हुई गुफ्तगू साझा की थी। यह बातचीत उस समय की है जब ऑर्बिटर और विक्रम को अलग किया गया था। लैंडर को 2 सितंबर को ऑर्बिटर से अलग किया गया था। रोवर प्रज्ञान भी लैंडर के साथ ही है। चांद पर उतरने के बाद रोवर को लैंडर से अलग होकर प्रयोगों को अंजाम देना होगा। लैंडर अपनी जगह पर खड़े खड़े प्रयोग करेगा, ये कहा गया था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ऑर्बिटर साल भर चांद की परिक्रमा करते हुए जानकारियां जुटाता, लेकिन अब यह भी नहीं होगा। ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम को खुद से अलग करने के बाद कहा था, तुम्हारे साथ अब तक का सफ़र शानदार रहा विक्रम, शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाओगे। ऑर्बिटर की शुभकामनाओं के बाद विक्रम ने जवाब दिया, वाकई यह शानदार सफ़र रहा, मैं तुम्हें कक्षा में घूमते हुए देखूंगा। इसके बाद इसरो ने भी ट्वीट करके विक्रम और ऑर्बिटर को शुभकामनाएं प्रेषित की थी। इसरो ने लिखा, हम विक्रम और प्रज्ञान के संपर्क में रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें चांद के अनछुए हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना है और कई रहस्य खोलने हैं। लेकिन सभी आशाओं पर पानी फिर गया जब चंद्रयान 2 का अभियान असफल हो गया। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर दुनिया का 110वां और इस दशक का 11वां अंतरिक्ष अभियान है। 109 में से 90 अभियानों को 1958 और 1976 के बीच चांद पर भेजा गया। उसके बाद चांद पर अभियानों को भेजने का सिलसिला सुस्त पड़ गया। 20वीं सदी के 9वें दशक में चंद्रमा पर अभियान धीरे धीरे फिर से शुरू हो गए और 2008 में चंद्रयान 1 द्वारा चंद्रमा पर की गई पानी की खोज ने दुनिया का ध्यान चंद्रमा की ओर फिर से आकर्षित कर दिया। 52% की सफलता दर के साथ अंतरिक्ष एजेंसियां अब तक कुल 38 सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास कर चुकी हैं। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का भारत का पहला प्रयास था। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर लैंडिंग कराने वाला चौथा देश होता। ये वे मिशन है, यानी फ्लाई बाय वह मिशन है जिनमें अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पास से गुजरे लेकिन चंद्रमा की कक्षा में नहीं पहुंच पाए। ये चंद्रमा का दूर से अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। फ्लाई बाय मिशन के कुछ प्रारंभिक उदाहरण अमेरिका द्वारा लॉन्च किए गए पायनियर 3 और 4 और तत्कालीन USSR के लूना 3 हैं जो चंद्रमा के पास से गुजर चुके हैं। ऑर्बिटर्स क्या है? ऑर्बिटर्स इन अंतरिक्ष यानों को चंद्रमा की कक्षा में भेजने और चंद्रमा की सतह और वायुमंडल का
लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। किसी ग्रह का अध्ययन करने के लिए ऑर्बिटर मिशन सबसे आम तरीका है। अब तक चांद और मंगल पर ही लैंडिंग संभव हो पाई है। अन्य सभी ग्रहों का अध्ययन ऑर्बिटर या फ्लाईबाय मिशनों के माध्यम से किया जाता है। लैंडर्स इन मिशनों में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की लैंडिंग शामिल है। ये ऑर्बिटर मिशन की तुलना में अधिक जटिल होते हैं। चंद्रमा पर पहली लैंडिंग 31 जनवरी 1966 को तत्कालीन USSR के लूना 9 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरी की गई थी। उसने चंद्रमा की सतह से पहली तस्वीर को भी धरती पर भेजा था। मानव अभियानों के अंतर्गत चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा जाता है। अभी तक केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ही चंद्रमा पर मानव को उतारने में सफल रही है। 1969 और 1972 के बीच अब तक आर्मस्ट्रांग सहित कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चांद पर कदम रख चुके हैं। इसके बाद चांद पर उतरने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन नासा ने अब वर्ष 2024 तक एक और मानव के युक्त मिशन भेजने की योजना तैयार की है। रोवर्स क्या हैं? रोवर्स जो हैं लैंडर मिशनों का विस्तार है। लैंडर अंतरिक्ष यान भारी होते हैं, पैरों पर खड़े होते हैं और लैंडिंग के बाद स्थिर रहते हैं। इन पर लगे उपकरण अवलोकन कर सकते हैं और डेटा एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की सतह के संपर्क में नहीं आ सकते। रोवर्स को इस कठिनाई को दूर करने के लिए डिज़ाइन तैयार किया गया है। रोवर्स चंद्रमा की सतह पर घूम सकते हैं और बहुत उपयोगी जानकारी एकत्रित करते हैं जो कि लैंडर के भीतर उपकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चंद्रयान 2 मिशन में रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। इस साल की शुरुआत में एक चीनी लैंडर और रोवर मिशन चंद्रमा पर पहुंचा। ये अभी भी सक्रिय हैं। ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर एक साल तक चक्कर लगाएगा। रोवर प्रज्ञान जानकारी को लैंडर विक्रम से साझा करेगा। विक्रम उस जानकारी को ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा। ऑर्बिटर उसे धरती के कमांड सेंटर तक भेजेगा, ये सोचा गया था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। साथ ही लैंडिंग के चार घंटे बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलकर चांद की जमीन पर चलेगा और अध्ययन में जुट जाएगा, लेकिन यह सब अभियान असफल रहा। इमेजिंग IR स्पेक्ट्रोमीटर जो था वो इस अभियान में प्रयोग में लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि यह खनिजों के आंकड़े जुटाएगा और बर्फ की मौजूदगी के प्रमाण तलाशेगा। टेरेन मैपिंग कैमरा भी इस अभियान में साथ भेजा गया था और यह कैमरा पूरे चांद का डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार करता। लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी साथ में गया था जो चांद की सतह के घटकों का परीक्षण करता। सोलर एक्सरे मॉनिटर भी स्पेक्ट्रम का इनपुट मुहैया कराने के लिए तैयार था, लेकिन ये सब योजनाएं सफल नहीं।